हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितु और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल लाइफस्टाइल एक्स बाय रितु में, जहां हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल और डीएफएस के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि 5 स्टफ्स के बारे में जो आप रियूज कर सकते हैं अपने पुराने प्रोड्यूस का कपड़ों में से, और साथ में मैं आपको आइडियाज भी बताऊंगी कि आप कैसे उन स्टफ्स को रियूज कर सकते हैं फर्दर रियूज प्रोजेक्ट्स में या फिर अपने ऑफिस। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी अपना आउटफिट है या अपने घर का कोई भी आइटम है जिसको आप डिस्कार्ड करने वाले हैं, तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप उसको कैसे फिर से रीयूज कर सकते हो किसी फर्दर प्रोजेक्ट में या किसी फर्दर आउटफिट में। क्योंकि हमारे पास काफी सारा ऐसा स्टफ होता है जिसको हम बार फिर से रीयूज कर सकते हैं 2 या 3 times, बट हम सोचते नहीं, हम अपना माइंड नहीं लगाते हैं। तो जब भी वह कुछ अपना सामान डिस्कार्ड करे तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचें। फर्स्ट स्टफ है जो आप रीयूज कर सकते हो वो है इस टाइप की चेन्स। फ्रेंड्स, इस टाइप की छोटी बड़ी चेन्स जो होती है हमारे बहुत सारे कपड़ों में और आउटफिट्स में होती है, जिनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। इस टाइप की जो छोटी जो चेन्स होती हैं फ्रेंड्स, वो हमारे प्लाजोस, पैंट्स वगैरह में, ब्लाउजेज में लगी होती है, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। जब भी वो अपना कोई प्लाजो या पैंट डिस्कार्ड करते हैं, ब्लाउज डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो उसमें से इस टाइप की जो चेन्स होती हैं हम उसको निकाल के फिर से रीयूज कर सकते हैं कोई नया ब्लाउज बनाने में या कोई नई पैंट्स बनाने में। इसके अलावा इस टाइप की चेन्स का यूज आप कुशन कवर्स बनाने में कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कुशन कवर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो इस चेन्स का रीयूज करके आप बहुत सुंदर सुंदर पाउच क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब अपने डिफरेंट रीयूज प्रोजेक्ट्स में आप इन चेन्स को फिर से रीयूज कर सकते हो या फिर अपने आउटफिट्स में रीयूज कर सकते हो। इवन इस टाइप की जो बड़ी चेन होती है फ्रेंड्स, ये चेन मैंने इतने पिलो कवर की निकाली हुई है, तो मैं इसको किसी और पिलो कवर में रीयूज करने वाली हूँ। जो लेडीज स्टिचिंग करते हैं खुद अपने घर पे अपने पिलो कवर्स कवर्स और आउटफिट स्टिच करते हैं, उनके लिए जो आज मैं वीडियो में आइडियाज बता रही हूँ बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो वो अपने पिलो कवर्स और कुशन्स की चेन्स निकाल के रीयूज कर सकते हैं, नए कुशन कवर और पिलो कवर्स बना लेते हैं। जो हम सेकंड स्टेप रीयूज कर सकते हैं वो है लेसेस। हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्कार्डेड सूट्स या साड़ीज होती हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर लेसेस होती हैं, तो आप उन लेसेस को फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने नए सूट और आउटफिट बनाने में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी एक लेस है नेटवर्क वाली, जो कि मेरे आउटफिट की ही है। मैंने उसको निकाला अपने प्लाजो में लगाने के लिए, तो आप इस टाइप से अपनी लेसेस को रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे पास लेस है, ये भी मैंने अपनी एक स्लीव से उतारी है जिसको मैं फिर से किसी ना किसी आउटफिट में जरूर यूज करूंगी। तो इस टाइप से आप अपने कपड़ों की लेसेस को या फिर इस टाइप के सुंदर सुंदर पैचेस को आप निकाल के फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने किसी नए आउटफिट में या फिर रीयूज प्रोजेक्ट्स में। इस टाइप के फ्रेंड्स, अगर आप छोटी लेसेस को निकाल रहे हो तो उसको आप रीयूज कर सकते हो बहुत सुंदर सुंदर एथनिक पाउचेस बनाने में। जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप की लेसेस को यूज करके आप बहुत 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 सुंदर सुंदर एथनिक जैकेट्स और पाउचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आपने कोई साड़ी की लेस निकाली है जिसकी भी साड़ी की लेस की जो लेंथ होती है बहुत लंबी होती है, तो आप उनको इजिली रीयूज कर सकते हैं। आप किसी भी अपने अच्छे से गाउन जो आप क्रिएट करने वाले हो उसमें या फिर अपना एक डिजाइनर दुपट्टा क्रिएट कर सकते हो उन लेसेस को रीयूज करके। फ्रेंड्स, जो मेरे आप देख सकते हैं मेरा एक ग्रीन कलर का दुपट्टा है जिसपे मैंने चारों बॉर्डर्स पे जो है लेस लगा रखी है। ये लेस फ्रेंड्स मेरी एक साड़ी की है जिसको मैंने फर्दर यूज किया है अपने एक डिजाइनर सा हैवी दुपट्टा बनाने में। तो आप इस तरीके से अपनी साड़ी की लेसेस को फिर से रीयूज कर सकते हो दुपट्टे वगैरह बनाने में। तो फ्रेंड्स, ये था सेकंड आइडिया कि आप कैसे लेसेस को रीयूज कर सकते हैं। आप लेसेस से पाउचेस बना सकते हो, इवन लेसेस का रीयूज करके ऐसे सुंदर सुंदर कुशन कवर्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था सेकंड स्टेप जो आप फिर से रीयूज कर सकते। फ्रेंड्स, जो तीसरी चीज है, तीसरा स्टेप है जो हम पुराने आउटफिट्स का रीयूज कर सकते हैं, वो है तो बहुत छोटी सी चीज बट उसको भी हम इजिली यूज कर सकते हैं। इवन वो आते भी बहुत कम पैसों में, बट हाँ आप उसको भी रीयूज कर सकते हो। जो मैं तीसरी चीज आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो इस टाइप की टिक टैक बटन्स भी बोलते हैं इनको, और चिट बटन्स भी बोलते हैं इनको। फ्रेंड, आप इस टाइप के बटन्स का भी फिर से रीयूज कर सकते हो। जी हाँ, आप कहेंगे ये बहुत सस्ते में आता है, आई थिंक सो ये पैकेट भी 10 रुपये में इजिली आ जाता है, बट आप फिर भी इसको रीयूज कर सकते हो। इस टाइप के चिट बटन्स जो होते हैं लेडीज के सूट्स में लगे होते हैं
ट्राउजर्स में यूज होते हैं, इवन इसके अलावा मेंस की शर्ट में भी जो है इस टाइप के चिट बटन्स लगे आते हैं। फ्रेंड्स आप इनका भी निकाल के फिर से रीयूज कर सकते हो। आप एक सूट में जो आपने या ब्लाउज में चिट बटन जो आपने लगाया है वो आप एक या दो बार फिर से रीयूज कर सकते हो। मैंने ये खुद की अपने सूट्स में मैं खुद स्टिच करती हूँ, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो मेरे पुराने सूट में जो मैंने यहाँ पे चिट बटन्स लगाए होते हैं मैं उनको निकाल के फिर से रीयूज कर लेती हूँ जब मैं अपना कोई नया सूट स्टिच करती हूँ उसमें। क्योंकि कि हम जब डिस्कार्ड कर देते हैं तो अपने कपड़े, तो उसमें कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको भी हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही चिट बटन्स को रीयूज कर सकते हो, आप पुराने चिट बटन्स को पाउचेस बनाने में यूज कर सकते हो। अगर आप चैन लगाना चाहते हो तो आप उसकी जगह पाउच लगा सकते हो। इवन कुशन्स में आप चैन नहीं है आपके पास तो अगर आपने कुछ पुराने चिट बटन्स रखे होंगे तो आप उन चिट बटन्स को रीयूज कर सकते हो अपने कुशन्स को अगर वगैरह बनाने में या फिर पिलो कवर्स बनाने में। फ्रेंड्स जो चौथा स्टेप है हम अपने पुराने आउटफिट्स में से रीयूज कर सकते हैं वो है डिजाइनिंग बटन्स। आजकल हम जब भी कोई सूट लेके आते हैं तो उसमें फ्रेंड्स जो डिजाइन क्रिएट होता है वो बटन्स की हेल्प से भी क्रिएट किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारी कुर्तीज होती है जो हम रेडीमेड लेके आते हैं उनमें भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर बटन्स लगे होते हैं। इवन हम जो घर पे सूट स्टिच करवाते हैं स्टिच करते हैं उनमें भी हम बटन्स को रीयूज करते हैं, यूज करके काफी अच्छे से डिजाइन क्रिएट करते हैं नेक पे बटन पे। तो उन जो उस टाइप के सूट्स को जब आप डिस्कार्ड करते हो तो उनमें जो बटन्स होते हैं, इवन जो मेंथ की शर्ट्स में बटन्स होते हैं सिंपल, आप उनको भी फिर से रीयूज कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास इस टाइप की ये टैसल्स वाला डिजाइन है। इवन इसके अलावा मेरे पास एक ये ब्यूटीफुल बटन्स है विद टैसल्स जो कि मेरे एक पुराने सूट के थे जिसको मैंने निकाल के रखा हुआ ताकि मैं इसको फिर से रीयूज कर सकूँ नए आउटफिट बनाने में। इसके अलावा इस टाइप के जो बटन्स होते हैं फ्रेंड्स आप इन डिजाइनर बटन्स को फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने नए सूट्स बनाने में या फिर आप अपने किसी प्लाजो में डिजाइन क्रिएट करने के लिए भी इस टाइप के बटन्स रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख लो इस प्लाजो में जो बटन्स लगाए गए हैं फ्रेंड्स वो एक पुराने सूट के ही निकाल के लगाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए अपनी कुर्ती दिखा रही हूँ जिस पे मैं बटन्स की डिटेलिंग है। जो ये कुर्ती देख रहे हो आप ये मैंने खुद स्टिच की और इसमें जो ये बटन्स हैं इसके साथ सिर्फ ये तीन बटन्स लगे आए थे नेक पे, ये छोटे बटन्स नहीं थे। ये छोटे बटन्स जो हैं फ्रेंड्स मैंने खुद से लगाए हैं। ये मेरे एक पुराने सूट के बटन थे जिनको मैंने निकाल के रख लिया था, व्हाइट कलर के थे जो इजिली कुर्ती के साथ जा रहे हैं। तो मैंने इस टाइप से अपने पुराने बटन्स को रीयूज किया और मैं इसी तरीके से अपने बहुत सारे आउटफिट्स में रीयूज कर सकती हूँ। अगर हम बात करें मेन बटन्स की तो हम मेन्स के बटन शर्ट के बटन को भी रीयूज कर सकते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीकों से। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक डिजाइन देख रहे हैं नेक डिजाइन, उसमें जो डिजाइन क्रिएट किया गया है वो रफल और मेन बटन्स का मिक्सचर से क्रिएट किया गया। तो आप इस तरीके से भी बहुत सुंदर नेक डिजाइन या फिर बॉटम डिजाइन मेन के बटन्स को रीयूज करके भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपसे चार स्टेप शेयर कर चुकी हूँ जो कि चेन है, चेन लेस बटन और चिट बटन का आप कैसे रीयूज कर सकते हो। अब जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है जो हम रीयूज कर सकते हैं अपने पुराने कपड़ों में से वो है फ्रेंड्स लटकन्स। फ्रेंड्स हमारे जो हैवी आउटफिट्स होते हैं इस टाइप की उनमें लटकन्स होती है, आप इनको भी फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने बहुत सारे आउटफिट्स में। जो मेरी ये लटकन है फ्रेंड्स ये मेरे एक लहंगे की लटकन है और मैं इनको क्या बताऊं कितने आउटफिट्स में रीयूज कर चुकी हूँ। इवन अगर आप अपने आउटफिट को डिस्कार्ड भी नहीं करें तो फिर भी आप उनकी लटकन को रीयूज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी किसी अपने ब्लाउज या लहंगे में लटकन लगाते हैं तो उसको मशीन स्टिच मत करिए, या तो उसको हैंड स्टिच करिए या फिर उसको एक सिंपल इस तरीके से जो लूप होता है उसमें रख के इस तरीके से नॉट लगा दें, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप जब भी चाहें हैंड स्टिच को आप निकाल के अपनी जो लटकन्स होते हैं उनको फिर से रीयूज कर सकते हैं। इस टाइप के मेरे पास है भी बहुत सारे लटकन्स हैं जिनको मैं फर्दर रीयूज करते हो अपने अलग अलग आउटफिट्स में। अगर आप परमानेंट भी लगाना चाहते हैं एक आउटफिट से निकाल के दूसरे में आप इसको इजीली लगा सकते हैं क्योंकि इनकी जो शाइन है वो बिल्कुल भी नहीं जाती है अगर आप इस टाइप से लगा के फिर से निकाल के रीयूज करते हैं। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इवन उन लोगों के साथ जरूर करें जो खुद स्टिचिंग करते हैं ताकि उनको थोड़े आइडियाज और हेल्प मिले। थैंक यू।